इन कीजिए स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा में जो है 8,000 के आसपास मेंबर्स हैं और डेली हम जो है बहुत सारी चीज़ें आपके शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल में। बहुत सारी इमेज शेयर करते हैं जैसे इस तरह से कुछ, उसके बाद जो है मैपिंग, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ये सब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोटिवेशनल लेक्चर्स, नोट्स, ये सब जो है हम उसमें शेयर करते हैं। 8,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। एक कोट के साथ शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों, नॉलेज विदाउट पावर इज एज गुड एज अ बोट विदाउट इट्स ओर। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, एजुकेशन में बहुत अच्छा किया है, ठीक है, अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन की है, अच्छे मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जो है कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हैं CEPF के, वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अब भी जो है लॉकडाउन की सिचुएशन है, इतना अच्छा पढ़ने का माहौल है लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, कहाँ से आएगा मोटिवेशन? ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर आते हैं, या तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, या बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे होंगे आपका मन तो करता है कि मैं AC बन जाऊँ, असिस्टेंट कमांडेंट में बन जाऊँ, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं और मेहनत कर भी रहे हैं तो इतने अच्छे लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर जो है मोटिवेशन की कमी है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है, बिना किसी अच्छी जॉब के जो है सोशल रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब जो है एक अच्छी सोशल रिस्पेक्ट आपको दिलाएगी, ठीक है, एक अच्छा स्टेटस आपका होगा, ग्रुप ए सर्विसेज है, आने वाले सालों में बहुत अच्छा जो है करियर आपका होगा, विद इन 20 ईयर्स जो है 20 साल के अंदर अंदर जो है आप 1200 1500 2000 3000 लोगों को कमांड करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, और जब तक आप रिटायर होंगे काफ़ी अच्छे पोस्ट पे जो है पहुंच जाएंगे, इंस्पेक्टर जनरल ADG तक जो है रिटायर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 25-26 की एज में जो है भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से आएगा मोटिवेशन? दो चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, या तो अभी मेहनत कर लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, 90 दिन का टाइम बचा है आपके पास, सिर्फ 90 दिन का टाइम है, हो सकता है आपका पेपर 9 अगस्त को हो जाए, और जहाँ तक चांसेस हैं 9 अगस्त को हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन में छूट मिलने लगी है। ठीक है, पढ़िए, इस टाइम को जो है वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी इमेज कुछ ऐसी होगी। ठीक है, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके रिलेटिव, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सब आपको इज्जत देंगे और आप महसूस करेंगे जो आज आपके लिए लोग सोचते हैं, आज आपको लोग बहुत बुरा बुरा बोलते होंगे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम व्यर्थ हो, तुमने आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। ठीक है, सब बोलते हैं, ठीक है, पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर दोनों बिल्कुल अलग होती है। स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ सक्सेस दिखती है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हाँ यार, इस बंदे ने AC का एग्जाम क्रैक किया है, असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है। ठीक है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है उस असिस्टेंट कमांडेंट बनने के पीछे की जर्नी क्या है, कितनी रातों को जो है वो बंदा सोया नहीं है उस पढ़ाई के चक्कर में, कितने दिनों में जो है वो अपने दोस्तों से नहीं मिला है, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला है, कितने न जाने फंक्शन छोड़े हैं, पार्टी छोड़ी हैं, कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, वो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दो। पहला ऑप्शन है जैसा चल रहा है ऐसा चलने दीजिए, कंटिन्यू कीजिए इसको। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो आपका ही नुकसान है अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, 1 साल ख़राब हो जाएगा, पेपर दे के आओगे जब फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार मैंने कुछ नहीं किया, इस बार भी ऐसे ही रह गया एग्ज़ाम। ठीक है, मेहनत करोगे तो इस तरह से जाएगा, एक टाइम बहुत अच्छा आएगा, दूसरे टाइम पढ़ाई करोगे जब आपको बहुत पेन सहना पड़ेगा, पेन होता है, देखिए पढ़ाई से पेन होता है, ये सब जो है मन का विचार है आपका। ठीक है, मन को काबू अगर आपने कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, आप जस्ट ये सोचिए, जब आपका मन करता है कि चलो मैं फेसबुक चला लेता हूँ, व्हाट्सएप चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, तब आप बहुत खुश होकर चलाते हो, लेकिन तुरंत अगर कभी आपको ऐसा मन करे कि चलो मैं पढ़ता हूँ, तो एकदम से आपको ये आता होगा, बहाना सोचते हो क्या बनाए। ठीक है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, चलो 1 घंटा फेसबुक चला लेता हूँ या सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ फिर कर लेंगे।
ठीक है, चलो बाहर घूम के आ जाता हूँ, कल कर लेंगे, ठीक है। ये कल की जो आदत है, बाद की जो आदत है, ये आपको जो है निश्चित तौर पे जो है असफलता की ओर लेके जा रही है, ठीक है। मन के ऊपर काबू पाइए, डेली अपना गोल सेट कीजिए, कि आपका गोल होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है डेली, ठीक है। शाम को देखिए कि इन चीज़ों को आपने अचीव किया भी है या नहीं किया है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, दिन में 24 घंटे हैं आपके पास। मैं ये नहीं बोलता आप 24 घंटे पढ़ो, 5 से 6 घंटे आप पढ़ो यार, ठीक है। अभी एग्जाम में अगर थोड़ा टाइम देखोगे आप, थोड़ा सा कम बचा है, तो 6 से 8 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं। तो 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 घंटे की आप नींद लीजिए, 6 से लेके 8 घंटे। जनरली इस उम्र में सब 6 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ज़्यादा सोता हो, जनरली मैं बता रहा हूँ। 6 घंटे सोइए आप, 18 घंटे आपके पास बचेंगे। 6 से 8 घंटे आप पढ़िए, 10 घंटे में अपना मौज मस्ती कीजिए, मना कौन करता है। लेकिन सारा सारा दिन टाइम वेस्ट करना, गेम्स खेलना, रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट करना, वो बहुत ही गलत चीज़ है। वो आपको अपने एम से दूर लेके जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा, वो लोग जिन्होंने आज तक कभी आपसे बात नहीं करी थी, जिन्होंने आपको धोखा दिया है जीवन में, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने आपके अपने वर्थ की वजह से आपको छोड़ दिया कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, सभी लोग आपके पास वापस आएंगे। आपको महसूस होगी ये बात, ठीक है। ये लोगों का काम है, देखिए सबके साथ होता है, हर एक बंदे के साथ होता है, ठीक है। जब आपको कोई भी छोटी सी भी सक्सेस मिलती है, तो लोग वापस आते हैं जीवन में, ठीक है। शुरू कीजिए पढ़ना, कोई भी दिक्कत आए, स्टडी फंडा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इन स्टार्स को पाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वर्क हार्ड एंड अर्न देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट